हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सबके पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और वो डाउट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों की, उससे पता चल जाता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ओके, तो बीच में जब एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे तो बच्चों के डाउट्स की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम हो गई थी। ओके, देवर लाइक पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा। एंड जब से वापस डेट्स अनाउंस हुए हैं जुलाई के, तब से डाउट्स भी बढ़ गए बच्चों के, एंड विच इज़ गुड। दैट मीन्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया है। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं। तो एक जो डाउट है जो बहुत फ्रिक्वेंटली मुझे डे टू डे बेसिस पे मिल रहा है, और वो डाउट है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का जो टॉपिक आपका मॉड्यूल में ऐड हुआ है। ओके, नवंबर 2020 की जो न्यू मॉड्यूल आई है, यू नो काइंड ऑफ विच इज़ एप्लीकेबल फॉर दिस अटेम्प्ट ऑल्सो, उसके अंदर में उन्होंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर में एक टॉपिक ऐड किया है, उसका नाम है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का जो टॉपिक है उसके अंदर जो सम्स उन्होंने दिए हैं गाइस, तो पूरे जो सम्स हैं एक दो को छोड़ करके, एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जो मैंने बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ाया है डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज, उसके अंदर में एक इक्वेशन मैंने पढ़ाई है तुमको। उस इक्वेशन की हेल्प से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के जितने सम्स हैं वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर डिटेल में चाहिए और ज़्यादा, तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं डिटेल में ले सकती हूँ, और जो सम्स आईसीआई ने दिए हैं वो भी हम साथ में सॉल्व कर सकते हैं। आज का लेक्चर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के जो वो पर्टिकुलर इक्वेशन पे जो सम्स बनते हैं, एफ माइनस पी बाई पी इंटू 100 इंटू 365 बाई एन, दिस इज, ये इक्वेशन से आप क्या निकालते हो? आप निकालते हो यील्ड फ्रॉम अ डिस्काउंटेड सिक्योरिटी जिसकी मैच्योरिटी एक साल से कम है। अभी इसके बारे में बात नहीं करती हूँ क्योंकि अगले वीडियो में प्रॉपरली आने वाला है। आज की वीडियो में एक वहाँ पे सम उन्होंने दिया है और उस सम पे ही ज़्यादा एक्चुअली डाउट आ रहा है, और वो सम है रेपो के बारे में। ओके, और उस सम के अंदर में डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस की भी एडजस्टमेंट नेचुरली होगी। तो मैंने सोचा कि ये सम अगर मैं कराती हूँ तो डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस का जो एडजस्टमेंट है वो भी आप सीख जाओगे, और साथ में ये जो रेपो का सम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज मे बी अगर नहीं समझेगा तो आप क्या करोगे, यू विल एंड अप जस्ट लर्निंग द सम, बट दिस इज लाइक वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन, एंड आई थिंक समझ के अगर करोगे और थोड़ी वेरिएशन अगर एग्जाम के अंदर आई तो आप वो भी हैंडल कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या हेडिंग दी है, सम ऑन रेपो। सम वही वाला कराने वाली हूँ जो उन इंस्टीट्यूट ने वहाँ पे ऐड किया हुआ है। रेपो के अंदर में अच्छा सम है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सम कमिंग इन द एग्जाम इज ऑल्सो हाई, तो आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। लेकिन ये सम कराने के पहले पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस किसको बोलते हैं। तो एक एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने मैं। ओके, सपोज करो कि मेरे पास ऑलरेडी एक बॉन्ड है, सुनना ध्यान से, मेरे पास ऑलरेडी एक बॉन्ड है। ओके, और उस बॉन्ड का फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ और कूपन की रेट है 10%, नॉर्मल बोला मैंने। ओके, अब वो बॉन्ड मैं बेचना चाहती हूँ। इसके पहले एक बात और बोलनी चाहिए, बॉन्ड की जो कूपन की फ्रीक्वेंसी है वो है 30th of June एंड 31st of December, ठीक है ना, यानी सेमी एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड है। और 31st March को मैं ये बॉन्ड बेचना चाहती हूँ और आप ये बॉन्ड मुझसे खरीदना चाहते हो, करेक्ट है? तो 31st March को इस बॉन्ड की मार्केट में प्राइस चल रही है 95, पॉसिबल है, आपको पता है प्राइस कैसे निकालते हैं एंड ऑल दैट, राइट? तो 31st March को मैं और आप मिलते हैं क्योंकि मुझे ये बॉन्ड आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और आप मुझे इस बॉन्ड के पैसे दोगे। मार्केट में उस दिन क्या प्राइस चल रही है, 95 की प्राइस चल रही है। ओके, तो गाइज ये जो प्राइस है 95, ये क्लीन प्राइस है। अब लोगे मैम क्लीन प्राइस क्या होती है, वो दो मिनट के बाद आपको समझ जाएगा। एक्चुअली अगर आप सोचोगे तो मैंने जो कूपन लिया, लास्ट मैंने जब कूपन लिया तो 31st December को मैंने अपना कूपन लिया, उसके बाद से मतलब 1st January से लेके 31st March तक बॉन्ड को मैंने होल्ड किया है, करेक्ट है? और उसके बाद अगले 3 महीने बॉन्ड आपके पास रहेगा, है ना? और बॉन्ड का कूपन मैंने कितना बोला, 10%। तो अगर आप 100 रुपये पे 10% करोगे तो 10 रुपया हुआ, 10 रुपीज हुआ। लेकिन क्योंकि बॉन्ड सेमी एनुअल है तो 5 रुपीज इज ड्यू ऑन 30th of June एंड 5 रुपीज विल बी ड्यू ऑन 31st of December, ओके? तो अगर ये बॉन्ड मैं आपको दे दूं कौन सी डेट को, 31 मार्च को, तो क्या होगा कि ये पूरे के पूरे 5 रुपए आपको मिलेंगे क्योंकि आप बॉन्ड के होल्डर हो,
लेकिन क्या आपको वो पूरे 5 रुपए मिलने चाहिए? आप क्या उस पूरे 5 रुपए की हकदार हो क्या? ये बात हो रही है? नहीं, क्योंकि जनवरी से लेके 31 मार्च तक बॉन्ड को मैंने होल्ड किया है। ओके, तो 5 रुपए का आधा, क्यों आधा? कोई जरूरी नहीं कि 31 मार्च को ही, ये तो मैंने इक्वल गैप्स लिया है ना, मतलब जैन 1 से लेके 30 जून कितने होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं, करेक्ट है? तो मैंने इक्वल बीच में पॉइंट लिया है, 31 मार्च एक्चुअली। तो 5 रुपए को मैंने एग्जैक्टली बाई 2 कर दिया, तो 2.5 और 2.5 हो गया। यानी कि 31 मार्च को अगर मैं आपको बॉन्ड को बेच देती हूँ, तो आपको मुझे कितने पैसे देने चाहिए? आपको मुझे देने चाहिए 95 रुपीज, जो कि बॉन्ड की क्लीन वैल्यू है, और साथ में आपको मुझे 2.5 रुपीज, मतलब 2.5 रुपया देना चाहिए। क्यों? आपने बॉन्ड को पूरे 6 महीने नहीं रखा, आप 31 मार्च के बाद 3 महीने ही बॉन्ड को होल्ड करोगे, तो आप पूरे 5 रुपए की राइट्स नहीं है आपको लेने की। तो बॉन्ड जब मैं आपको बेचूंगी, तो जो प्राइस आप मुझे दोगे, वो प्राइस होगी 95 रुपीज प्लस 2.5 रुपीज। तो इफ 95 रुपीज इज द क्लीन प्राइस एंड 2.5 इज कॉल्ड द अक्रूड इंटरेस्ट। सो क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट इज कॉल्ड डर्टी प्राइस। तो 95 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा? 95 प्लस 2.5 कितना होता है? 97.5। आप मुझे 97.5 रुपीज दे दो और मैं आपको ये बॉन्ड दे दूंगे। ओके, सो दिस इज सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट। बेसिकली अगर इसका अगर कंक्लूडिंग अगर अपन स्टेटमेंट बोले, तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर बॉन्ड के जो ट्रांजैक्शन है दो लोगों के बीच में, अगर किसी बॉन्ड का ट्रांजैक्शन दो कूपन डेट जो होती है उसके बीच में अगर होता है, तो जितने दिन सामने वाले ने बॉन्ड को रखा है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली हाफ होगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं बॉन्ड को 31 जैन को ही बेचना चाहती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 रुपीज़ इस 1 जैन से लेके 30 जून तक का जो कूपन होता है वो होता है 5 रुपीज़, राइट? तो 5 रुपए को आप 6 मंथ्स में इक्वली डिवाइड कर दो, तो 5 × 1/6 हो गया। ओके, तो जितने दिन मैंने बॉन्ड को बेसिकली रखा है, आप वो पैसे कूपन का वो कंपोनेंट मुझे दे दो, और कंपनी से वो पूरा या सरकार से वो जो कंपोनेंट है पूरा आप ले लो। तो बेसिकली 5 रुपये आप पूरा उठाने वाले हो 30 जून को, लेकिन जितने दिन मैंने रखा है उतना हिस्सा आप मुझे दे दोगे। तो जब अक्रूड इंटरेस्ट आप क्लीन प्राइस में ऐड करोगे, तो वो जो बॉन्ड की प्राइस होगी उसको बोला जाता है डर्टी प्राइस। इतना ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर में और कोई भी कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्लीन प्राइस, डर्टी प्राइस एंड अक्रूड इंटरेस्ट। अब मैं आती हूँ टॉपिक पे, जो रेपो का सम है उसके ऊपर आपको डिस्कशन एक्चुअली करना है। रेपो क्या होता है? लेकिन रेपो के बारे में बात करने के पहले मनी मार्केट के बारे में कम से कम 2-3 सेंटेंसेस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टॉक मार्केट होता है, जैसे डेट मार्केट होता है, वैसे ही मनी मार्केट भी होता है। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर द यू नो काइंड ऑफ देयर इज अ बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ वेरी हाई अमाउंट्स, मतलब लैक्स एंड लैक्स ऑफ करोड़ की पैसों की लेन देन आपस में होती है। ओके, वो कौन से लोग होते हैं जिनके बीच में ये लेन देन होता है? ये जो लोग होते हैं ये बहुत हाईली क्रेडिबल पीपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल द बैंक्स एंड ऑल द यू नो काइंड ऑफ हाईली क्रेडिबल NBFCs, गवर्नमेंट, RBI, अभी थोड़ी दिन पहले से जो रेप्यूटेड तुम्हारे जैसे UTI वगैरह हैं उनको भी अलाउ किया है, लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल्स नहीं जाते उसके अंदर में, बिकॉज एक तो अमाउंट बहुत बड़ा होता है और दूसरा क्रेडिबिलिटी वाइज दे आर द 5-star रेटिंग पीपल। ओके, एंड इट इज अ हाईली लिक्विड मार्केट। तुम बोलोगे मैम लिक्विड मार्केट क्यों है? बिकॉज जो भी बोरोइंग लेंडिंग होती है इस मार्केट के अंदर में उसकी मैक्सिमम मेच्योरिटी 1 ईयर होती है। ओके, और ये जो सारे बैंक्स होते हैं, NBFCs होती है, RBI होती है, गवर्नमेंट होती है, ये सारे आपस में पैसों का लेन देन करते हैं। बहुत सारे लेन देन, जैसे मैं अगर तुमको बोलूँ CRR के बारे में तुमने सुना होगा, राइट? तो तुमको पता है कि जितने भी बैंक्स होते हैं उनको CRR रिक्वायरमेंट मेंटेन करनी पड़ती है, मतलब अपने डिपॉजिट्स का एवरेज 15 दिन का जैसे मेंटेन करना है, तो सपोज उनको 1 लाख करोड़ रुपए मेंटेन करना है, तो डेली 1 लाख करोड़ मेंटेन नहीं करना होता है, 15 दिन का एवरेज 1 लाख करोड़ पर डे होना चाहिए। तो
तो सपोज करो किसी दिन 50,000 करोड़ मेंटेन किया, किसी दिन 75,000 करोड़ मेंटेन किया, तो लास्ट के 5-6 दिन में ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट मेंटेन कर लेते हैं। उससे क्या होता है, 15 दिन का एवरेज 1 लाख करोड़ पे आ जाएगा। तो कोई बैंक के पास सरप्लस है, कोई बैंक के पास डेफिसिट है, तो ये आपस में लेन देन करते हैं। इनकी ओवरनाइट के लिए भी लेंडिंग होती है, मतलब एक रात से लेके मैक्सिमम 1 ईयर तक की, उससे ज़्यादा की इसमें मैच्योरिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की नहीं होती है। ओके, दूसरी बात कि गाइस ये जो यू नो काइंड ऑफ जो अमाउंट्स होते हैं काइंड ऑफ जो आपस में ये लोग लेन देन करते हैं, इसमें डिफॉल्ट रिस्क ऑलमोस्ट लाइक जीरो होता है, थोड़ा भी डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता। एंड दैट इज़ वाई लाइक इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाउड टू काइंड ऑफ यू नो काइंड ऑफ गो टू दैट मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स तुमने जरूर सुने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स, ओके, देन कॉल एंड नोटिस मनी, देन उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स CDs, देन कमर्शियल पेपर CPs, और ऑल दीज लाइक इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स। जब मैं मनी मार्केट आपको करवाऊंगी तो ये सारी बातों के बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगी, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ओके, रेपो एंड रिवर्स रेपो, ये सारे जो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये मनी मार्केट के अंदर होते हैं। ओके, एंड दे आर हाईली लिक्विड इन नेचर। जो सम हमें करना है वो है रेपो के ऊपर में। तुम बोलोगे तो मैं 4 लाइन की तुमको थियोरी भी लिखाऊंगी और साथ में ये सम भी सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले सुन लो रेपो के बारे में, उसके बाद हम लिखना चालू करेंगे। रेपो क्या होता है वो सुनना। सपोज करो कि मैं बैंक ए हूं और तुम बैंक बी हो, ओके, और मुझे पैसा बोरो करना है 15 डेज के लिए ओनली। तो रेपो इज अ ट्रांजैक्शन और काइंड ऑफ बोरोइंग लेंडिंग वेयर मैं तुमको एक कोलेटरल दूंगी और उसकी वैल्यू के अगेंस्ट में मैं तुमसे पैसा बोरो कर सकती हूं ऑन अ प्रॉमिस कि जब वो 15 दिन खत्म हो जाएंगे तब वो सिक्योरिटी मैं तुमसे वापस बाय करूंगी ऑन अ प्री अग्रीड प्राइस। मतलब कहने का क्या हुआ सिंपल में, कि अगर सपोज करो कि 100 करोड़ की वर्थ ऑफ सिक्योरिटीज मैं तुमको सेल करूंगी, मतलब क्या हो गया, ये कोलेटरल हो गया ना, तुम मुझे बेसिकली पैसा दोगे, मतलब मैं तुमसे पैसा बोरो करना चाहती हूँ, तो पैसा बोरो करने के लिए मैं तुमको कोलेटरल के तौर पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज दे रही हूँ। ओके, और वही वाली गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेम 15 दिन के बाद जब मैं तुमको पैसे लौटाऊंगी तब वो सिक्योरिटीज मेरे पास आ जाएगी। इसको बोला जाता है रेपो। ओके, वो 15 दिन का ब्याज मैं तुमको पे कर दूंगी, जो प्रिंसिपल तुम मुझे दोगे उसके ऊपर मैं तुमको प्री अग्रीड इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर दूंगी। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा रेपो। तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैम ये क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन 1-2 एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा यूनिक है, और वो सम के साथ अगर मैं तुमको समझाऊंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और सुनो। अगर सपोज करो कि मैंने क्या बोला तुमको कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसमें कोलेटरल होने वाला है, मुझे तुमसे पैसे अगर बोरो करने हैं तो मुझे तुमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हिसाब से जो वैल्यू उसकी होगी उस हिसाब से मैं तुमसे पैसा बोरो करूंगी। मैं उस कैलकुलेशन के अंदर में डिस्कशन नहीं कर रही हूं, बिकॉज सामने सम आने वाला है, जब डेटा सामने रहेगा तो मैं और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाऊंगी। ओके, और वो सिक्योरिटी मैं तुमसे वापस ले लूंगी 15 दिन के बाद, ये अपनी बात हो गई ऑलरेडी। लेकिन मैं तुमसे क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो सिक्योरिटी मैं तुमको दूंगी, ओके, उसमें जो बोरोइंग पार्ट होगा, तुम जो मुझे पैसे दोगे या मैं तुमसे जो पैसा बोरो करूंगी वो होगा उस सिक्योरिटी का क्लीन प्राइस। वापस एग्जांपल ले लो कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो मैं तुमको देने वाली हूँ कोलेटरल के तौर पे, इसकी जो कूपन डेट है वो 30th of June है और 31st of December है, ठीक है ना। सेम एग्जांपल को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, और 31st March को मैं तुमसे पैसा बोरो करना चाहती हूँ 15 दिन के लिए, ओके, 15 डेज के लिए पैसा बोरो तुमसे करना चाहती हूँ। तो 31st of March को इस सिक्योरिटी की क्लीन प्राइस मार्केट में चल रही है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसका कूपन 10% है, हमने एग्जांपल जो लिया था ना शुरू में, सेम एग्जांपल यूज कर रही हूँ। तो 31st of March को इस सिक्योरिटी की क्लीन प्राइस है, क्लीन प्राइस मतलब जिसके अंदर अक्रूड इंटरेस्ट नहीं है, 95 रुपीज़ है, ओके, और साथ में 2.5 रुपया, ओके, समझ गए ना, 2.5 रुपया क्या है, अक्रूड इंटरेस्ट, तो 97.5 रुपीज़ अगर मैं तुमको एक सिक्योरिटी देती हूँ,
ओके तो तुम मुझे 97.5 रुपीज़ दे दोगे, मतलब मैं तुमसे 97.5 रुपीज़ बोरो कर सकती हूँ, और ये 97.5 रुपीज़ पे 15 दिन का तुम जो भी ब्याज लगाओगे वो ब्याज लगा करके 15 दिन के बाद तुमको मैं पैसे तुम्हारे वापस कर दूंगी और तुम मेरी सिक्योरिटी मुझे वापस कर देना। ये जो ट्रांजैक्शन होगा और इसकी जो मैथमेटिक्स होगी उसको बोला जाएगा रेपो। आई थिंक यू आर कम्फर्टेबल, तो थोड़ी सी थियरी लिखाती हूँ तुमको मैं एंड उसके बाद अपन सब में आगे बढ़ जाते हैं जो ICAI ने हमें दिया हुआ है। आई होप यू अग्री ऑन दैट। ओके सो रेपो इज अ टाइप ऑफ कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग वेयर कोलेटरल्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज This is exhaustively used in the interbank market for short-term borrowing and lending। तुम अगर वर्ड देखोगे ना रेपो, रेपो का फुल फॉर्म ही होता है रीपर्चेज अग्रीमेंट। ओके बेसिकली मैं तुमको सिक्योरिटीज दूंगी, पैसा बोरो करूंगी, जब मैं पैसा वापस करूंगी तुमको तो मेरी सिक्योरिटीज मुझे वापस कर देना। इट्स दैट सिंपल एक्चुअली। दे आर extremely safe agreements as the seller promises to buy them back at an agreed price on the day of maturity। Collateral होने से देखो कितनी सिक्योरिटी ज़्यादा है borrowing lending की, कि अगर सामने वाला पैसा नहीं दे पाया किसी वजह से, मान लो एक बात बोल रही हूँ, तो तुम वो सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेच करके पैसे निकाल सकते हो अपने। ओके तो दैट इज़ वाई दिस अग्रीमेंट्स आर रिगार्डेड एज एक्सट्रीमली सेफ अग्रीमेंट्स। ओके तो एक बात और बता रही थी कि यूजुअली रेपो के जो अग्रीमेंट होती है, या 10 दिन के लिए, 8 डेज के लिए, 15 डेज के लिए, 14 डेज के लिए, एक दिन के लिए भी होता है। ओके तो रेपो के जो मेच्योरिटी होती है ना, मैक्सिमम टाइम्स पहले से मतलब फिक्स्ड रहती है कि भाई 15 दिन के बाद, तो तुमने अभी आज सिक्योरिटीज सामने वाले को ट्रांसफ़र किया, उसने तुमको पैसा दिया, 15 दिन के बाद वो जो अमाउंट सामने वाले ने तुमको लोन के तौर पे दिया था, उस लोन पे वो जो 15 दिन का ब्याज है जो रेपो के अग्रीमेंट में ऑलरेडी हो चुका है, यू नो दोनों पार्टीज़ ने जो अग्री किया है, वो लगा करके सामने वाले को पैसे वापस कर दो, वो तुम्हारी सिक्योरिटीज़ वापस कर देगा। ओके लेकिन कुछ रेपोज ऐसे होते हैं जहाँ पे मेच्योरिटी ओपन एंडेड होती है, जैसे कि एक दिन का ले लिया, उसको चाहो तो रोल ओवर कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इसके अंदर में तुम्हारे सम्स में नहीं आएंगी। ओके तो गाइस फटाफट मैं सम्स कर रही हूँ। ओके आई थिंक यू ऑलरेडी नो द सम, जिन लोगों ने प्रिपरेशन चालू किया है एग्जाम के लिए उनको ये सम ऑलरेडी पता होगा। तो सम मैं पढ़ती हूँ, एक दो बातें मुझे और भी बतानी थी जो मैं ऐसे वर्बली नहीं बताना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि सम के साथ ही तुमको बता दूँ। तो आई एम रीडिंग द सम इज देयर ऑन द स्क्रीन, यू कैन ऑल्सो रीड विथ मी। बैंक ए
एंटर इन टू अ रेपो फॉर 14 डेज विथ बैंक बी. सुनना ध्यान से, बैंक ए एंटर्स इन टू अ रेपो फॉर 14 डेज विथ बैंक बी इन 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 2028 एट द रेट ऑफ 5.65% फॉर ₹8 करोड़. बहुत क्लियरली डेटा तुमको एग्जाम में, ये समझो भी एग्जाम में, अगर अभी तक तो आया नहीं है, बट लेट अस सी. 14 डेज की मैच्योरिटी है लोन की, ओके. और इसमें कोलेटरल क्या होगा, 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स जो कि 2028 में मैच्योर होने वाला है एट द रेट ऑफ 5.65% फॉर 8 करोड़. देखो बहुत केयरफुल रहना, ये जो 10% है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड जिसके बारे में बात हो रही है उसका कूपन रेट है, और ये 5.65% तुम्हारा रेपो का ब्याज का रेट है, लेकिन रेट तुम्हारा पर एनम है. क्योंकि रेपो एक्सट्रीमली सेफ इन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग होती है, दैट इज वाई रिस्क इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली लो, तो ब्याज का रेट भी हमेशा कम होगा. तुमको ये बात समझती है. फॉर 8 करोड़, 8 करोड़ तुम्हारा प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट है बोरोइंग का, ओके. बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये. अज्यूमिंग दैट क्लीन प्राइस, द प्राइस दैट डज नॉट हैव अक्रूड इंटरेस्ट, उन्होंने बेचारों ने अच्छे से मेंशन भी किया है, बी 99.42 जिस दिन ये बोरोइंग होने वाली है, एंड इनिशियल मार्जिन भी 2%, इसके बारे में बताऊंगी मैं, एंड डेज ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट बी 262 डेज. एक बात और बता दूं कि इन्होंने 262 डेज ऑलरेडी तुमको निकाल के दिया हुआ है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो तुमको निकाल के नहीं देंगे. तो तुम कैसे निकालोगे, तुम्हारी जो लास्ट कूपन डेट है, ओके, लास्ट कूपन डेट से लेकर के जहां पे तुम खड़े हो, लेकिन एक बात का तुम ध्यान रखना कि जिस डेट को कूपन हुआ है उस कैलकुलेशन में वो तुम इंक्लूड नहीं करोगे. मतलब मुझे एक्चुअली 2-3 बातें यहाँ बतानी है तुमको, जब मैं सम करूँगी तब बताऊँगी, वरना अभी तुम भूल जाओगे. वो डे इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन जो जिस डेट को बोरोइंग हो रही है वो डे तुमको इंक्लूड करना है, ओके. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन डर्टी प्राइस एंड रीपेमेंट एट मेच्योरिटी. सीधा लास्ट वाला पार्ट पूछा है, अगर तुमको समझा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. लास्ट वाला पार्ट का मतलब कि रीपर्चेज अग्रीमेंट खत्म हो गया और मैंने पैसा बोरो कर लिया, तो मैंने पैसा वापस कितना किया, ये पूछ रहा है. लेकिन ये आंसर करने के लिए पहले ये तो निकालना पड़ेगा ना कि कितना प्राइस पे मैंने पैसा बोरो किया, मतलब मैंने कितना पैसा बोरो किया, पहले ये तो निकालूंगी, फिर ब्याज लगाऊंगी, फिर रिपेमेंट वाला पार्ट निकालूंगी. तो मैं सम करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं साथ में तुमको समझाते हुए आगे बढ़ जाऊँगे. सो जस्ट प्लीज गियर अप एंड वी आर स्टार्टिंग द सम, ओके. सो लेट्स डू द सम. So number of days is 14, repo का, ठीक है. Government security का जो coupon है वो 10% है, और principal component rather ऐसे बोलूँ मैं तुमको, face value बोला जाएगा इसको. क्यों face value बोल रही हूँ बताऊँगी तुमको. Face value is ₹8 करोड़, ठीक है. क्लीन प्राइस दिया हुआ है सम के अंदर में, क्लीन प्राइस इज रुपीस, जिस दिन रेपो का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे मैंने तुमको दिया ना सम के अंदर में 95, वैसे तुमको सम में दिया हुआ है, लेकिन जो एडवांस लेवल सम्स बनते हैं ना रेपो में, उसमें ये निकालने को भी बोल सकते हैं. मतलब तुम निकाल भी, कैलकुलेट भी कर सकते हो. तो क्योंकि हमारे पास एक ही समय, तो हमें पता नहीं कि वो निकालने देंगे क्या, बट मुझे लगता है कि पहले एग्जाम में सम आ जाएगा ये वाला, उसके बाद ही शायद इससे आगे वो लोग बढ़ेंगे. इनिशियल मार्जिन 2% दिया हुआ है, एंड अक्रूड इंटरेस्ट के जो डेज हैं, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर में 31 दिसंबर को तुम्हारा कूपन का पेमेंट हुआ था, तो 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक, क्योंकि 31 मार्च वाले दिन ट्रांजैक्शन हो रहा था, तो 3 महीने का तुम्हारा आया जो कूपन का जो अक्रूड इंटरेस्ट के लिए जो कैलकुलेशन है, राइट. तो बेसिकली जो भी तुम डेज काउंट करोगे उस हिसाब से आ जाएगा. यहाँ पे वो डे ऑलरेडी काउंट करके दिया है, मैंने तुमको पहले ही बोला, कोई ज़रूरी नहीं कि वो डेज कुछ भी हो सकते हैं, वो ऐसे नहीं बोल सकते अपन. तो 262 डेज दिया हुआ है. नंबर ऑफ डेज फॉर अक्रूड इंटरेस्ट
इज इक्वल टू 262 डेज, करेक्ट ना। अब अपन सम में आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें बतानी है। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन उन्होंने बोला है कंप्यूट डर्टी प्राइस, सो कंप्यूटेशन ऑफ डर्टी प्राइस कैसे लिखोगे? डर्टी प्राइस विल बी इक्वल टू क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि जो सिक्योरिटी है मेरे पास वो मैं तुमको दे रही हूँ, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो सिक्योरिटी तुम्हारे पास जा रही है तो जितने दिनों तक लास्ट कूपन के बाद जितने दिनों तक मैंने होल्ड किया है उसकी जो कूपन का प्रो डेटा वैल्यू होगा वो तो तुम मुझे दोगे ना, ये बात हो रही है। तो क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, तो क्लीन प्राइस इज ऑलरेडी गिवन टू यू रुपीस 99.42 प्लस। अगर यहाँ पे रुपीस 99.42 दिया हुआ है तुम्हारा क्लीन प्राइस, तो ऑब्वियस सी बात है कि फेस वैल्यू गाइस तुम्हारा 100 होगा। तुम बोलोगे मैम आपको कैसे पता? ये कोई स्टॉक प्राइस नहीं है कि जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया होगा और उसकी प्राइस 10,000 रुपये मार्केट में होगी। अगर 100 रुपये का फेस वैल्यू है तो ही प्राइस तुम्हारी 20 रुपया 30 रुपया आगे पीछे हो सकता है। अगर वो प्रीमियम पे है तो 20-25-30 रुपया ज़्यादा और 20-25-30 रुपया, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी। अगर प्राइस में वेरिएशन इतनी ज़्यादा होगी तो वो रिस्क फ्री नहीं कहलाएगा। आई होप यू आर यूजिंग योर कॉमन सेंस जब मैं ये बात बोल रही हूँ। उस प्राइस के अंदर वोलेटिलिटी उतनी नहीं है तभी तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकलता है, और वो अमाउंट रिस्क अगर नहीं है तो रिटर्न बहुत कम होगा, और रिटर्न को कम होने के लिए वेरिएबिलिटी कम होनी चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि 99.42 बोल रहा है तो फेस वैल्यू तुम्हारा 100 रुपया ही होगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? रुपीस 100 है ना इंटू 10% इंटू 262 डिवाइड बाय 360। एक लाइन इन्होंने नीचे लिख रखी है, चाहो तो नोट डाउन कर लेना, कंसिडर 360 डेज इन अ ईयर। तो तुमको एक बात मैं बता दूं कि दो कैलकुलेशन आएगी, एक आएगी अक्रूड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में बाय डिफॉल्ट ये जो डे काउंट कन्वेंशन होता है ये 30/360 होता है। तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब हर मंथ का तुम 30 डेज ही लोगे, चाहे उसमें 31 दिन है चाहे उसमें 28 दिन है, तुम 30 डेज ही लोगे। 30/360 का डे काउंट कन्वेंशन यूज होता है अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। और ये जो प्राइस निकलेगी तुम्हारी 99.42 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट करोगे ना तो एक प्राइस आ जाएगी, मतलब इस बॉन्ड की डर्टी प्राइस आ गई, या इस सिक्योरिटी की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डर्टी प्राइस आ गई। तो 100 रुपया क्या है? 100 रुपया फेस वैल्यू है। जो प्राइस आएगी वो उस सिक्योरिटी की वैल्यू हुई मार्केट में आज के दिन। सुनना, शांति से सुनना, तुम्हारी जो बोरोइंग का अमाउंट है 8 करोड़ रुपया दिया हुआ है। इस 8 करोड़ को तुमको मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? फेस वैल्यू, मतलब सिक्योरिटी का 100 रुपया और 8 CR इक्विवेलेंट हो गए। तुमको समझ रहा है? तो इफ 100 इज इक्वल टू 8 CR then what will be equal to this total dirty price? समझ रहा है? चलो पहले कैलकुलेट करते हैं फिर बात करूंगी। ओके, सो 100 इंटू 10% इंटू 262 डिवाइड बाई 360 प्लस 99.42 कितना आया? 106.70 रुपीज, 106. ये इसकी मार्केट वैल्यू है आज के दिन। ओके, डर्टी प्राइस है। तो अमाउंट ऑफ बोरोइंग या अमाउंट टू बी बोरोड या अमाउंट टू बी लेंट, जो बोलना है बोलो, अमाउंट टू बी बोरोड विल बी इक्वल टू रुपीज 8 CR डिवाइड बाय रुपीज 100 इंटू रुपीज 106.70। समझा क्या मैंने क्या बोला? यानी कि जो अमाउंट तुमको सम में दिया हुआ रहेगा ना उसको तुमको पेग करना पड़ेगा
जो प्राइस है उसके साथ, यानी 8 करोड़ इज रिप्रेजेंटिंग द फेस वैल्यू, 8 करोड़ वर्थ ऑफ सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फेस वैल्यू वाइज, तो उसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइस के हिसाब से। कितना आएगा देखो तो, 8 × 106.7 डिवाइड बाय 100 गिव्स मी 8.536 करोड़। यानी बोरोइंग कितनी की होने वाली है, 8.536 CR की बोरोइंग होगी। आई होप तुमको समझ में आ गई मैं क्या बात बोल रही हूँ। तो मैं तुमको ये बोल रही थी कि ये अक्रूड इंटरेस्ट निकालने के लिए, अगर सम में ये लाइन कंसिडर 360 डेज इन अ ईयर नहीं दिया हुआ होता, तो तुम कैसे क्या करते पता है तुमको, तुम 262/360 ये बराबर लेते, तुम ऐसे ही लेते, क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट के लिए 30/360 का डे काउंट कन्वेंशन यूज होता है। यानी कि अगर जनवरी में 31 दिन होते हैं तो तुम 30 दिन ही पकड़ के चलोगे, फरवरी में अगर 28 दिन होते तो तुम उसको भी 30 दिन ही पकड़ के चलोगे, मार्च में 31 दिन होते हैं उसको भी तुम 30 दिन ही पकड़ के चलोगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट राइट। लेकिन ये जो बोरोइंग हुई ना 8.536 करोड़ की, इसके ऊपर में 14 डेज का ब्याज लगना चाहिए, 14 दिन है ना, 5.65% के हिसाब से, तो 5.65% तो पर एनम दिया हुआ है। इसको 14 दिन का ब्याज निकालने के लिए हम यूजुअली जो डे काउंट कन्वेंशन यूज करते हैं वो होता है एक्चुअल डिवाइड बाय 365। लेकिन यहां पे एक्चुअल डिवाइड बाय 365 यूज नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कंसिडर 360 डेज इन अ ईयर लिखा हुआ है। याद कर लो, अक्रूड के लिए 30/360 और रेपो का ब्याज लगाने के लिए एक्चुअल बाय 365 यहां नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने यहां पे राउंड ऑफ करने को बोला है। ये एक बात हुई। बिफोर आई फॉरगेट वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट, इस सम में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 2% इनिशियल मार्जिन 2%, मतलब जो पैसा लेंड होगा वो 8.536 करोड़ नहीं होगा, इसमें से 2% का मार्जिन स्लैश करके दिया जाएगा। मतलब सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है मार्केट में आज, 8.536 करोड़, लेकिन बोरोअर को कितने पैसे मिलेंगे, 2% काट के। क्यों, उसको बोला जाता है मार्जिन या हेयर कट। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर मान लो सामने वाले ने पैसे पे सपोज करो कि नहीं किए, अज्यूम करो अगर सामने वाले ने पैसे पे नहीं किए और मैं मार्केट में अगर उस सिक्योरिटी को बेचने को जाऊं तो मुझे किसी भी तरह का नुकसान नहीं लगना चाहिए। वो लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, मार्केट रिस्क, ऐसे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो सब प्रॉब्लम क्रेडिबिलिटी की आएगी नहीं, लेकिन दूसरी तरह के रिस्क तो आ सकते ना, लाइक बेचने में प्रॉब्लम हो रही, लिक्विडिटी रिस्क आ सकता है, तो कहीं हमें हो सकता है प्राइस को तोड़ के हमें बेचना पड़े। इन ऑर्डर टू कीप दैट सेफ्टी, दैट वर्ड इज कॉल्ड हेयर कट। अगर तुमको पता है थोड़ा सा भी मार्केट के बारे में और मार्जिन्स के बारे में, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो स्टॉक्स को अपन मार्जिन के तौर पर अगर यूज करते हैं, तो एक्सचेंज बताता है कि ब्लू चिप स्टॉक्स में हेयर कट कम होता है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का अगर तुम कोलेटरल की तरह यूज करोगे तो उसका हेयर कट ज़्यादा रहता है। और मर्जी से कोई ब्रोकर नहीं हेयर कट कर सकता, वो तुम्हारा जो एक्सचेंज होता है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड हर स्टॉक के लिए, मतलब अगर 100 रुपये की चीज है आज मार्केट वैल्यू उसकी, तो कितना स्लैश आउट करके माना जाएगा कोलेटरल के लिए। समझ में आई बात, यानी कि हम दे रहे हैं सिक्योरिटी 8.536 करोड़ की, लेकिन हमें बदले में इतने पैसे नहीं मिलेंगे, हमें 2% का हेयर कट काट के मिलेगा पैसा। आई होप यू गॉट दैट। सो इनिशियल मार्जिन गिवन 2% गिवन, अपने मन से नहीं करना है, एग्जाम में अगर सम में नहीं दिया है तो मत करना। प्रोसीड्स CR, ये पैसे अगर मैं बोरो कर रही हूं तो मैंने तुमको 8.536 करोड़ की सिक्योरिटीज दे दी और तुमने मुझे ये पैसे दिए हैं राइट। अब क्या पूछा है, रीपेमेंट एट मैच्योरिटी सेकेंड लेग, ऊपर का ये फर्स्ट लेग था, सेकेंड लेग, ओके। सो रीपेमेंट ऑन मैच्योरिटी
विल बी इक्वल टू रुपीज 8.36528 सीआर इंटू 5.65% इंटू 14 डिवाइड बाय 360 हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन अगर अगर ये यहाँ पे मेंशन नहीं रहता ना तो हम 365 लेते थे, 365 लेते थे। यह चीज़ तुम याद रखना, नोट बना के लिख लो, अच्छा रहेगा। इंटू 5.65% इंटू 14 डिवाइड बाय 360 विल गिव यू रुपीज 0.01838 सीआर। ओके, देयरफॉर रीपेमेंट वुड बी इक्वल टू, कितना पैसा मिला था हम लोगों को, हम लोगों को मिला था 8.36528 रुपीज 8.36528 सीआर प्लस रुपीज 0.01838 सीआर। ओके, सो आई एम गोइंग टू गेट हियर 8.36528 प्लस 0.01838, आई गेट 8.38। चाहो तो इसको एक्सपैंड भी तुम शुरू से करते ना 8 करोड़ को, तो भी एक्सपैंड भी कर सकते थे, दैट इज़ ओके एक्चुअली। सो 8.38366 सी आर एंड वी आर सॉर्टेड विद द सोल्यूशन। अगर तुमको ये निकालना है कि कितने दिनों का अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब प्राइस, जैसे ऊपर में नहीं निकाला था हम लोगों ने, ये प्राइस निकाली थी याद है, कहाँ गया वो, ये प्राइस निकाली थी ना 106.70। तुमने नोटिस किया कि ये जो पूरी कैलकुलेशन चल रही है ये 106.70 के हिसाब से चल रही है। ओके, तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस प्राइस पे वापस हुआ वो, मतलब 99.42 की बात कर रही हूँ। तो अगर तुम इसके अंदर में जो 262 डेज था, ध्यान है, तो जब 14 दिन के लिए चीज़ सामने वाले के पास में चली गई, तो 262 डेज में अगर 14 डेज तुम ऐड करके अगर अक्रूड इंटरेस्ट निकालते हो और इस अमाउंट में से माइनस कर देते हो, तो तुम्हारी तुम प्राइस कैलकुलेट एक्चुअली कर सकते हो, इफ़ यू गेट एग्जैक्टली मैं क्या बोल रही हूँ। ये तो तुम्हारी डर्टी प्राइस के हिसाब से चल रहा है ना, क्लीन प्राइस अगर निकालना पड़े कि भाई किस प्राइस पे वापस हुआ, मतलब किस प्राइस पे मैंने वापस खरीदा, तो कैसे निकालोगे तुम इसमें से। तुमको वो 262 डेज का था वो ब्याज, राइट, लेकिन अभी 14 दिन आगे चले गए ना हम लोग, तो 262 डेज में कितना होता है 14, तो 276 डेज का तुम अक्रूड इंटरेस्ट निकालो, ओके, 8 करोड़ के ऊपर में, और इसमें से माइनस करो और फिर तुम कन्वर्ट कर सकते हो उसको अगर चाहो तो, लेकिन सब में पूछा नहीं है तो वाई शुड वी डू दैट। तो पूरा मैं आंसर आपको एक साथ में पूरा दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली हम लोगों ने कैसे कैलकुलेशन करी है। दिस वॉज लाइक द फर्स्ट थिंग एंड आई एम श्योर यू एन्जॉयड द लेक्चर। आई विल कीप पोस्टिंग इंपॉर्टेंट सम्स, इंपॉर्टेंट वीडियोज फॉर यू बिफोर द एग्जाम। कीप स्टडिंग, स्टडी वेरी वेरी हार्ड, और कुछ नहीं जिंदगी में सोचना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो बेस्ट हो सकता है वो तुमको करना है। थैंक यू सो मच।